डिंडौरी का आदिवासी समाज शोभापुर में प्रस्तावित बांध के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। विरोध कर रहे लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आम सभा आयोजित कर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डिंडौरी में शासकीय उत्कृष्ट खेल मैदान में आदिवासी समाज द्वारा आम सभा आयोजित की गई और प्रस्तावित बांध के विरोध में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आम सभा में मुख्य तौर पर किसानों के घर, जमीन, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थलों को बचाने और बांध निरस्तीकरण का प्रस्ताव अहम मुद्दा रहा। आम सभा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि मंडला और ढिंडोरी में प्रस्तावित बांध निर्माण पर रोक लगाई जाए और बिना ग्राम सभा या बिना किसानों की अनुमति के काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पैसा एक्ट लागू तो कर दिया गया है पर उसका पालन नहीं किया जा रहा। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और ही है। वहीं समाज सेवी हरि मरावी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद से आदिवासी वर्ग के नेता विधानसभा और लोकसभा में सोने जाते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्या के लिए विरोध नहीं करते, कहीं आवाज नहीं उठाई, जबकि मंडला, अनूपपुर और ढिंडोरी जिला पूर्णतः अनुसूचित जिला है। अंडई बांध और शोभापुर बांध के विरोध में सभी क्षेत्रों की जनताएं यहां आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र की जनताओं की मांग है कि जो विट्ठल देव बांध और अंडई बांध, शोभापुर बांध निर्माण कार्य का जो काम बीच बीच में फिर सिलसिला चालू हो जाता है और हमारे क्षेत्र की जनताओं में एक मन में एक भय बना रहता है कि कब हमको बेदखल कर दिया जाएगा। हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं, हमेशा शासन प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दे दिया जाता है कि बांध निर्माण नहीं होगा। बांध निर्माण नहीं हो रहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन सभी क्षेत्र की जनताओं का मांग है कि जो बांध निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए। अभी तक निरस्त करने की बात जब भी मांग की जाती है आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, आज तक निरस्त की बात आई नहीं। आज दिए क्या आश्वासन मिला आपको? आज भी बांध निर्माण जब तक क्षेत्र की जनता नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा, यही आश्वासन दिया गया है। पर हमारे क्षेत्र की जनताओं की मांग है कि जो बांध निर्माण की बात चल रही है उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए और जो क्षेत्र की जनता मुआवजा राशि लेने के लिए तैयार नहीं है उसके बावजूद भी उनके खाता सर्च किया जाता है, उनके खाता इकट्ठे करके और जबरदस्ती उस खाते में डाल के और उनकी जमीन भी अधिग्रहण कर लिया गया है। जय सनकपुर, जय डिंडोरी और बांध निर्माण संघर्ष समिति जो है उसके संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। उसमें प्रमुख मांग ये है कि जो शोभापुर है, शोभापुर में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी लगी है कि बांध निर्माण किया जाना है, उसको निरस्त कराने के लिए समस्त किसानों के साथ झल्ला बांध और अंडई बांध और बसरी है बांध, चार बांधों को निरस्त कराने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।